तो फेल गेम फैमिली न्यू एरा के न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स के टाइटल के लिए आज फर्स्ट टूर्नामेंट होने जा रहा है 2K24 में और 8 धुरंधर सुपरस्टार्स को मैं लेकर आया हूँ। इनमें से कोई एक कोडी को चैलेंज करेगा नहीं, 8 नहीं 7 ही है क्योंकि एक लोगन पॉल भी है। ऑब्वियसली मजाक कर रहा हूँ, ये 8 सुपरस्टार्स हैं ड्रू मैकइंटायर, रैंडी ऑर्टन, रॉक, अंडरटेकर, सीना, लोगन पॉल, रोमन रेन्स और ट्रिपल एच। तो फर्स्ट राउंड का फर्स्ट मैच है ड्रू मैकइंटायर और द वाइपर रैंडी ऑर्टन के बीच में, और ड्रू मैकइंटायर ऐसे रियल लाइफ में वर्ल्ड टाइटल के पीछे जा रहे हैं, लेकिन मुझे ड्रू के लिए बुरा लग रहा है। एक बार रेसलमेनिया में कांड हो गया, एक बार सीएम पंक ने कांड कर दिया, वैसे ही इनके साथ दो दो बार मनी इन द बैंक कैश इन हो गया इनके ऊपर, तो ठीक है इसीलिए ड्रू मैकइंटायर को भी रखा है। तो ड्रू और ऑर्टन का एक लैडर मैच करेंगे, हर मैच की ना स्टिपुलेशन अलग अलग रखेंगे। तो फिल आरबी क्या लग रहा है, ये टूर्नामेंट जीतकर कौन सा चैलेंजर चैलेंज करेगा कोडी रोड्स को, और उस मैच के लिए स्टिपुलेशन नॉर्मली रखेंगे लास्ट मैच में, ठीक है? बाकी सब मैच में भले ही अलग अलग स्टिपुलेशन रखें, लेकिन कोडी को जो भी चैलेंज करेगा ना, एक नॉर्मल पिनफॉल या सबमिशन मैच। तो ये लैडर मैच ऐसा है कि जीता हुआ मैच हार में बदल सकती है एक छोटी सी गलती से, जान रहो ना, बॉल गेम पूरा करना है। और ड्रू को मैंने जानबूझ के मनी इन द बैंक मैच में भी रखा है, क्योंकि ड्रू और मनी इन द बैंक का रिश्ता, ओ हो भाई, दो बार, एक बार WWE चैंपियनशिप कैश इन कर लिया था वो मिज ने, और टाइटल छीन लिया था लाइव ऑडियंस के आने से जस्ट पहले, और फिर अभी रेसलमेनिया में फिर कांड हो गया। मतलब मनी इन द बैंक जिसको भी मिलता होगा उसको बोला जाता होगा कि रखो अपने पास, ड्रू ही के ऊपर कैश इन करना है, ठीक है? तो जैसे ही ड्रू चैंपियन बने या फिर चैंपियन बना हुआ है तो उस पे जाके कैश इन कर लेना। ये जो WWE कांड किए जा रहे हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इस साल भी जो मनी इन द बैंक जीतेगा ना, लास्ट में जाके ड्रू के ऊपर ही कैश इन कर लेगा। वाइपर कुटाई तो बहुत सही कर रहे हो। अच्छा, आईशो स्पीड को RKO लगा दिया ना, बहुत फेमस यूट्यूबर, आई थिंक आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन दाद देनी पड़ेगी आईशो स्पीड के भी, RKO खा के भी लड़का सर्वाइव कर गया है। साइज देखा था ऑर्टन का, मुझे लगता है कि राइट वाला पैर जितना वो पतला है और उसकी साइज उतनी है आईशो स्पीड की। रैंडी ऑर्टन ऑब्वियसली रेसलर है, पर ऑर्टन ने एक चीज भाई साबित कर दिया, लड़का हो लड़की हो, बूढ़ा हो बूढ़ी हो, बच्चा हो, कितने भी एज हो, ऑर्टन भेदभाव नहीं करते भाई, जो भी आएगा सामने RKO लगेगा। ऑर्टन इस मैच में अगर RKO लगाओगे तो जीत सकते हो, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, अगर जीतना भी है ना तो लैडर के ऊपर से RKO लगाना, अभी ला के रखो RKO, पर लैडर के ऊपर से दोगे तो ज्यादा फायदा है और नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। लेकिन मनी द बैंक के जानते हो ना, लास्ट वाला बॉल गेम में कोई कांड करके निकल जाता है। ये मैच में ड्रू बहुत ही ज्यादा मार खा रहे, ड्रू मैकइंटायर, मनी द बैंक नहीं जीतना है, ये वही मनी द बैंक है जो दो दो बार कैश इन होकर ड्रू की खुशियां खराब की है। लैडर ऐसे रिंग में आ चुका है, कोई सेट नहीं कर रहा, ऑर्टन के पास सिग्नेचर आने वाला है। ड्रू चलो बढ़िया काम कर रहे हो, सेट करना, अरे रे रे रे, चलो ऑर्टन कोई दिक्कत नहीं है, सेट कर लेना लैडर, ड्रू ऐसे ड्रू को मार के सेट, अरे ये भी ठीक है, पर ड्रू को रास्ते से निकाल देते हो उसके बाद फिर लैडर यूज करते हो ज्यादा अच्छा था। ड्रू लेटे रहोगे ऐसे, उतना भी मार नहीं खाया ऑर्टन जीतने वाले, बिना एक भी फिनिशर सिग्नेचर दिए, अभी टाइम है। अगर ऑर्टन का बॉल गेम अच्छा है भाई, ऑर्टन ट्रू गेमर है, देख रहे हो ना, दो बार ऐसी कर दिया है, तीन, दो बार सिर्फ बचा हुआ है। ड्रू मैकइंटायर हारने वाले हो, बस लास्ट ही था, बच गए ड्रू मैकइंटायर, यानी कि अब जो भी लैडर पे चढ़ा ना, मैच खत्म है। ये मैच शुरू होते एक साथ ऑर्टन ने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, ऑर्टन कांड करवा लिया ऑर्टन ने, ऑर्टन स्टंड रहेंगे तब तक ड्रू मैकइंटायर जा रहे, अभी भी टाइम है ऑर्टन, टाइम है, ड्रू अभी चढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया है। ऑर्टन उतार लो, अरे उतारो, क्या करे ऑर्टन, ऑर्टन सोचते ही रह गए, ऑर्टन क्या कर दिया भाई, सामने ही खड़े हुए थे ड्रू मैकइंटायर, स्टार्ट होते एक साथ खत्म हो गया मैच। नेक्स्ट मैच की तरफ जाते, क्या है, ओ फाइनल बॉस वर्सेस द अंडरटेकर। तो जिस मनी इन द बैंक से ड्रू मैकइंटायर को इतना चुड़ लगता है, ड्रू मैकइंटायर ने वही मनी इन द बैंक जीत लिया है, और सिर्फ वही नहीं जीता है, नेक्स्ट राउंड में भी चले गए। तो फर्स्ट राउंड का सेकंड मैच है टेकर वर्सेस रॉक, और ये मैच तो कैस्केट ही होना चाहिए। टेकर सर अब पहले जैसे फिट नहीं है, फिट होता ना पक्का मैच होता भाई, अंडरटेकर वर्सेस फाइनल बॉस, मजा ही आ जाता। अंडरटेकर चाहे तो एक और मैच कर सकते, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि टेकर सर इंजर्ड हो जाए, तो ठीक है थोड़ा थोड़ा आते हैं ना, वही मजेदार है। तो फर्स्ट मैच भले ही कुछ ज्यादा जल्दी खत्म हो गया, लेकिन ये वाला मैच टाइम लगेगा, 0-0 फिनिशर है सबके पास, और कैस्केट में जानते हो ना, जब तक कैस्केट में नहीं डाल देते मैच खत्म नहीं होगा। जो टेकर सर का जब कैस्केट मैच आ ही गया है, तो मैं तो बोलता हूँ बरीड अलाइव मैच को भी लाना चाहिए, नहीं दफना दिया जाएगा, वो भी खतरनाक मैच था, एक पुराने गेम में था, कौन सा था, स्मैकडाउन वर्सेस रॉ 2008, मेरे चैनल पे वीडियो भी होगी, पर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन आई थिंक 2008 था,
और उसमें मैंने मैच किया भी था खली वर्सेस टेकर और खली सर को दफना दिया था, या मुझे अब याद नहीं आ रहा, एक बार आप लोग चेक कर लेना। तो 2K जब इतने खतरनाक खतरनाक मैचेस ला ही चुके हैं तो बरीड अलाइव भी चाहे तो ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा पीजी एरा के हिसाब से दिक्कत हो जाता है ना। पर अब नेटफ्लिक्स पे जा रहा है WWE, तो अब नेटफ्लिक्स पे तो भाई पूरा वायलेंस होगा क्योंकि उसपे PG-13 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तो खतरनाक टाइप का वायलेंस दिखाया जा सकता है, एटीट्यूड एरर से भी ज्यादा। तो इसलिए नेक्स्ट ईयर जब नेटफ्लिक्स पे जाएगा ना मंडे नाइट रॉ, और अभी से ये हाल है, अभी रॉक ने आगे क्या क्या किया भाई, तो रॉक ने ना सेंसर ही करवा दिया WWE, इतनी गालियां, और सेंसर होने के बाद भी बहुत बार ऐसा नहीं हुआ कि गाली सुनाई पूरी पूरी सुनाई दे दे रही, उसके बाद WWE बीप कर रहे। तो मैं बोल रहा था भाई बीप करने की जरूरत ही क्या, पूरा तो सुनाई दे ही दिया। रॉक ने एटीट्यूड एरर का ना थोड़ा सा झलक दिखाया भाई, ये कुछ नहीं है। जिसने जिसने देखा एटीट्यूड एरा की पुरानी वीडियोस वो जान रहे होंगे भाई कि क्या क्या होता था उस टाइम, मतलब अभी तो सोच भी नहीं सकते, और बहुत ही मतलब एक अलग ही टाइप का प्रोडक्ट था। अभी तो फिर भी बोलोगे कि हाँ बच्चे लोग भी देख सकते हैं, उस टाइम तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे लोग को देखने दिया जाता, और जो भी देखते होंगे छुपी के देखते होंगे क्योंकि पूरा अडल्टी शो था कुछ। और सबसे बड़ी बात है ना कि मंडे नाइट रॉ में ना कुछ भी हो सकता था, विंस मैकमैन की कंपनी बंद हो जाती अगर एटीट्यूड एरा नहीं होता तो, WCW खरीद लेते, मतलब इनको बर्बाद कर देते। लेकिन एटीट्यूड एरा की वजह से इतने खतरनाक खतरनाक सुपरस्टार्स आए, रॉक, स्टोन कोल्ड, स्टीव ऑस्टिन, और उसी एरा ने बचाया WWE को, और WCW उसी के बाद बर्बाद हुआ। ऐसे और भी रीजंस थे WCW के बर्बाद होने में। आप चाहो ना सोनी लिव पे ना एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है यही WCW और WWE की, कि कैसे दोनों, मंडे नाइट वॉर्स नाम है उसका, मंडे नाइट वॉर दोनों का शो एक साथ देता था, और कैसे कैसे मतलब स्ट्रगल हो रहा था, किसका शो ऊपर जा रहा है किसका शो नीचे जा रहा है, देखना बहुत मस्त है, मजा आ जाएगा देखकर। फिलहाल फाइनल बॉस को बहुत मजा आ रहा है, टिगर सर को डाल दिया कैस्केट में, पर इतनी जल्दी कहां, टिगर का अभी तक कोई बॉडी पार्ट डैमेज नहीं है, देखा हल्का सा भी बंद नहीं हुआ। 3 स्टेप से मैंने नोटिस किया कैस्केट बंद होने के, जब और नीचे जाएगा ना तब चांसेस बनेंगे कि हाँ बंद हो सकता है, और उसके बाद भी बंद नहीं होगा अगर सामने वाले के पास रेजिलेंस है तो वो रेजिलेंस यूज करेगा। तो टेकर सर अच्छा दिमाग लगा रहे थे कि वेपन्स यूज करके रॉक की जल्दी जल्दी हेल्थ कम करना चाह रहे थे। रॉक फाइनल बॉस, दिमाग लगाओ ना वेपन्स यूज का। ओके रॉक तो और ज्यादा तैयार है, स्पाइन बस्टर फिनिशर भी बाहरी देने वाले हैं। वाह टेकर सर रिवर्स नहीं किया, बैक टू बैक सिग्नेचर फिनिशर, वेपन्स यूज कर सकते हो रॉक चाहो तो, पूरे स्टंड है अंडरटेकर, इतना अच्छा मौका मिला था, टेकर सर की अच्छी खासी हेल्थ थी, अब जाके वेपन यूज कर रहे हैं। फाइनल बॉस तो कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए हैं, वैसे अभी फिल्म की शूटिंग करने गए हुए रियल लाइफ में, और बोल के गए कि वो आएंगे, और जब भी आएंगे कोडी रोड्स के लिए आएंगे, सर टीज करके चले गए ना रॉक, मुझे भी इंतजार है ये कब आएंगे रॉक और किस मूड में आएंगे। कोडी को जब एहसास नहीं ना होगा और फैंस भी भूल जाएंगे रॉक के बारे में, क्या रॉक आने वाले हैं। मेन बात है कि देखो अपना न्यूज और सोशल मीडिया इतना हो गया है ना कि सब कुछ न्यूज बाहर आ जाती है, नहीं मतलब आप कितना भी अवॉइड करना चाहोगे पता चल ही जाता है कि हाँ। और मैं खुद अपने रेसलिंग पीडिया पे बता देता हूँ ये होने वाला है वो होने वाला है, और मैं नहीं बताऊंगा तब भी आपको पता चल ही जाएगा, इंस्टाग्राम पे आ जाता है, ट्विटर पे आ जाता है, यूट्यूब पे 100 वीडियोस आ जाती है। तो आप सोशल मीडिया के जमाने में कोई न्यूज से आप बचना चाहोगे तो बच नहीं पाओगे, वो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो। मुझे अभी भी याद है मैंने इन्फिनिटी वॉर देखा नहीं था, लेकिन पहले ही सबने स्पॉइल कर दिया पूरा, छोटा 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 क्लिप डाल डाल के कि क्या क्या होने वाला था, और नहीं चाहते हुए भी दिख ही जाता था कि वो अच्छा सारे हीरोज मर गए। और रिसेंटली की अभी बात करूं तो एनिमल का भाई साहब छोटा छोटा क्लिप में मैंने पूरा मूवी देख लिया, और मेरे साथ बहुत लोग ऐसे होंगे जो व्हाट्सएप पे पता नहीं क्या सबको मजा आता है भाई व्हाट्सएप पे छोटे छोटे क्लिप डाल डाल के, मैंने बोला भाई पूरी मूवी डाल दे काम कर तू, तो इसीलिए मैं फिर हॉल जाने का कोई फायदा था नहीं, थिएटर में क्या करूंगा जाकर जब व्हाट्सएप में छोटा छोटा सबके स्टोरी में क्लिप देख ही लिया, पूरा तो प्लॉट पता चल ही गया था कि क्या है क्या नहीं है। और किसी के साथ ऐसा हुआ तो कमेंट करके बताना मुझे। फिलहाल टेकर सर खतरे में लग रहे हैं इस मैच में, फिनिशर आ गया टेकर सर, ओके अब मस्ती नहीं, जहां बनियान उतरी अब तो भाई फिनिशर पड़ने का टाइम है। टेकर सर टूम्बस्टोन के लिए जाते हैं, सर बनियान उतार के इतना खतरनाक स्टाइल मारा तो अब टूम्बस्टोन भी लगा ही देते, वैसे रॉक को भी पड़ रही अच्छी खासी, रॉक का बॉडी येल्लो हेड येल्लो, अभी कैस्केट में नहीं डालोगे सर तो अच्छा है, एक आध फिनिशर विनिशर दे दो, हेल्स गेट नहीं, हेल्स गेट तो आई थिंक अंडरटेकर का सुपर फिनिशर है तो हेल्स गेट नहीं देने वाले। टूम्बस्टोन सर, रॉक ने जब सिग्नेचर फिनिशर लगा ही दिया है डबल हैंडेड चॉक स्लैम जिसमें डबल रिवर्सल था, वो अलग बात है कि रॉक ने किया नहीं, रॉक स्टंड होने वाले, ठीक है सर सिग्नेचर फिनिशर दोनों एक साथ दे सकते हो स्टंड, सर यही तो मौका है
रिवर्स भी नहीं करेंगे रॉक, एटलीस्ट सिग्नेचर दे देना। रॉक क्या हेड ऑरेंज, बॉडी भी ऑरेंज हो गया रॉक, जबकि ज्यादा हेल्थी रॉक की भाई। ये मैच तो एक एक सेकंड में अपना रुख बदल ले रहा है। ठीक है सर, कैस्केट खोलने की अभी जरूरत, हाँ ठीक है चलो, लेकिन फिनिशर विनिशर दे देते ना। रॉक को अब कंटिन्यूअसली मार पड़े जा रही, एक सिग्नेचर फिनिशर क्या लगा दिया रॉक ने, उसके बाद मार खाई जा रहे। अगर ऐसी मार खाते रहे तो शायद टेकर जीत सके। टेकर कहां जा रहे हो, वेपन लेने शायद? नहीं पता नहीं टेकर इतना लंबा राउंड लगा के कहां गए। वेपन सर, तो वेपन तो वहां भी मिल जाता, इतना घूम के आने के चक्कर में यूज भी नहीं कर पाए। अब रॉक का पल्ला भारी होगा, देखना रॉक के पास सिग्नेचर फिनिशर है नहीं, पर आ जाएगा। रॉक वेपन्स यूज क्यों नहीं कर रहे, अलाउड है? हाँ केंडो स्टिक, हथौड़ा, ऐसे हथौड़ा यूज करते तो और मजा आता है, लेकिन ठीक है चलो केंडो स्टिक से पार्नेस। पहले ये लोग इतना सोचते हैं ना कि सामने वाला ग्रैपल कर देता है, कुछ कर देता है, वेपन हाथ से गिर जाता है। फिलहाल ठीक है सर, सिग्नेचर फिनिशर देने का क्या लोग सर, लगाना स्टार्ट करो अगर जीतना है तो। ऐसे भी आप जीत ही रहे हो लग रहा है, बॉडी लाल है, हेड ऑरेंज है रॉक की, और प्लस हाथ भी डैमेज हो रहा है। ठीक है सर, सही टाइम पे, ओ हो हो, गलत वाला सिग्नेचर लगाया था, सिग्नेचर छीन लिया रॉक ने। अब रॉक के पास सिग्नेचर फिनिशर आने ही वाला है, सिग्नेचर आ गया है, फिनिशर भी आई रॉक, हाँ ठीक है चलो, अच्छा ही हुआ कैस्केट में नहीं गए भाई। अभी अभी टाइम है यार, अभी मुझे नहीं लगता कि अभी टेकर जाएंगे, पर टेकर का भी पैर येल्लो हो गया है, बॉडी ऑरेंज, हेड येल्लो है। फाइनल बॉस क्या सोच रहे हो? अच्छा फाइनल बॉस याद आए कि 2K को फाइनल बॉस वाला लेते आना चाहिए, और वो लोग बेचना भी स्टार्ट करेंगे ना, मुझे लगता है धड़धड़ करके सब खरीद लेंगे। लेकिन 2K वाले मेरे से भी बड़े आलसी हैं, कभी नहीं चांस ही नहीं है भाई। कौन सा कैरेक्टर लास्ट ईयर बेचा था याद है, जो मैं बहुत मजाक उड़ाया था, मैंने बैट बनी बेच रहे थे वो लोग, जबकि बैट बनी ऑलरेडी गेम में थे, बस बैट बनी का हेयर स्टाइल चेंज कर दिया था। और पता है कितने का बेच रहे थे? 350 रुपए का एक बैट बनी, जिसको मैं गेम में लेता भी नहीं हूँ। और सिर्फ मेरा ही ये मानना नहीं था, अंग्रेज लोग भी यही बोल रहे थे कि भाई देना ही था 2K तो कोई और WWE का सुपरस्टार देते ना। बैट बनी सिंगर है, सेलिब्रिटी, WWE सुपरस्टार है, कभी कभी आते हैं, उनको लेके कौन खेलेगा? ठीक है, तो अगर किसी का मॉडल अपडेट करना था तो रॉकी का लास्ट ईयर भी सबने बोला था कि रॉक का टैटू अपडेट कर देते, लेकिन नहीं, 2K ने बोला था कि रेसलमेनिया 40 का अरीना जैसे ही आएगा वैसे ही दे देंगे, लेकिन मैं जान रहा था कि ये लोग टाइम लगाएंगे। अब देखो कब आता है रेसलमेनिया 40 का अरीना, लेकिन सच्ची बताऊं रेसलमेनिया 39 के आसपास भी नहीं था भाई। सही बोल रहा हूं ना, रेसलमेनिया 39 का अरीना देखता हूं भाई, एक अलग ही मैजिक था। मतलब वो जो जहां से सब सुपरस्टार एंट्री कर रहे थे, वहां पर वो जो ग्लास का पैनल सीढ़ी टाइप का लगा हुआ था, कितना मस्त था। और 40 का लग रहा था कि हाँ ठीक ही है, मतलब खराब नहीं था, लेकिन रेसलमेनिया 39 के मुकाबले खराब था अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो। ऊपर से हद तो ये हो गई, ये मैट में प्राइम बना हुआ है और हर मैच में बैरिकेड में अलग अलग एड चल रहा है, एक में शायद विस्की का या वोडका का भी एड चल रहा था। ठीक है, WWE को एडवर्टाइज कर करके ज्यादा ज्यादा पैसे छापने, लेकिन मैच के बीच में ऐसे ऐसे एडवर्टाइज करोगे जिससे मैच का मजा थोड़ा थोड़ा खराब हो जाएगा तो सही नहीं है। अभी देखते तो जाओ, नेटफ्लिक्स पे जाएगा ना, तब देखना कि कैसे कैसे ऐड आएंगे। पर चलो जब तक ऐड आ रहा है, शो अच्छा है तो क्या फर्क पड़ता है। फिलहाल रॉक गो दो फिनिशर, क्या मतलब अगले साल देने का इरादा है क्या? पहला मैच को ज्यादा ही छोटा था, ये वाला मैच चले ही जा रहा है, अभी तक दोनों की रेजिलियंस भी खत्म नहीं हुई है। हाँ भले दोनों मार खा गए, लेकिन आई डोंट थिंक कि दोनों की रेजिलेंस गई है। ठीक है सर, अंदर डालना ही था रॉक को, तो फिनिशर विनिशर दे देते, उसके बाद कैस्केट में ठेलते, लेकिन ठीक है सर ट्राई करो, मे बी शायद इतना मार खा गए रॉक, अभी थोड़ा सा और नीचे जाएगा ना तब रेजिलेंस खत्म हो गई। ना ना ना, रेजिलेंस गई नहीं, लेकिन टेकर सर का खून निकल गया है। टेकर अब फिनिशर देना स्टार्ट करो। रॉक केंडो स्टिक उठा के फायदा क्या, दौड़ते हुए अगर नहीं मारोगे तो कोई फायदा नहीं, मारो एक साल सोचते रहेंगे। लेकिन इस बार अंडरटेकर केंडो स्टिक से मार खाना चाहते थे। ठीक है सर, टूम स्टोन ही लगा देते, क्या कर रहे हो कैस्केट के अंदर? नहीं नहीं नहीं, मत डालना, कोई फायदा नहीं होगा, ये क्या करने लगे? ठीक है सर, ओ टूम स्टोन ही दे रहे, वाह। ठीक है सर, अब इसके बाद कैस्केट में डाल सकते हो, लेकिन टिकर भी बेहोश हो गए, स्टैमिना खत्म हो रहा है भाई, रियल बनाने के चक्कर में ना स्टैमिना खत्म हो गया। टिकर सर जब तक होश में आएंगे तब तक रॉक का स्टंट मीटर ही खत्म हो गया फाइनल बॉस का। अच्छा रॉक की एंट्री कितनी धासु थी, गेम में दिखाया कि सारा स्टेज क्लियर कर लिया, गेम में नहीं होता है, सारा स्टेज जब क्लियर कर लोगे तब फाइनल बॉस आएगा, तो गेम जैसा हुआ था कि अब फाइनल बॉस की एंट्री होगी।
तो गेम्स वेम्स खेलने वाले लोगों को रॉक की एंट्री बहुत मस्त लगी होगी, और इसलिए मुझे भी बहुत मस्त लगी। ऐसा लगा कि हाँ फाइनल बॉस आ रहा है, और सिर्फ रॉक इतनी खतरनाक एंट्री नहीं ली, रॉक आकर जीत भी गए, तो एक ये भी बात है। फिलहाल यहाँ पर भी जीतने वाले रॉक पहले राउंड के सेकंड मैच में जीत सकते हैं। टेकर सर की रेजिलियंस गई डेफिनेटली, अब इसके बाद तो जाना ही है। यह हो सकता है कैस्केडी बंद हो जाए। टेकर सर हाँ यूज कर लिया टेकर ने, और अब बहुत मार खा चुके हैं। बॉडी लाल, हेड ऑरेंज, पैर येलो। रॉक अगर एक फिनिशर नहीं भी देते हैं और उसके बाद भी ट्राई करते हैं ना कैस्केट के अंदर डालने का, तो मे बी टेकर सर कैस्केट में बंद हो जाए, और फर्स्ट राउंड के सेकंड मैच में रॉक जीतकर टूर्नामेंट के आगे जाएंगे। टेकर सर टूमस्टोन देने के बाद बेहोश मत होना, टूमस्टोन अच्छा लगाया लेकिन जल्दी से रॉक को डालो कैस्केट में, तो रॉक की भी जाएगी रेजिलेंसी। बेहोश हो गए हैं सर, ये स्लो वाला टूमस्टोन काय को देते हो, बेहोश हो जाते हो बार बार। चलो अभी भी टाइम है। रॉक का स्टंट मीटर अभी भी बचा हुआ है, बस कैस्केट के अंदर ही ले जाना, इधर उधर लेके मत जाना। इतना मार खाने के बाद और इतना लंबा मैच चलने के बाद रॉक को अपनी रेजिलेंस बचानी तो नहीं चाहिए। अभी चाहे तो रॉक रिवर्स कर सकते हैं, कैस्केट के अंदर गए नहीं है, चले गए भाई, रेजिलेंस गई। रॉक यूज कर लेना, वरना फर्स्ट मैच के सेकंड राउंड में टेकर से जीतने वाले हैं। यूज करा, हाँ कर लिया भाई। चलो दोनों की रेजिलेंसी जा चुकी है, मैच फाइनली खत्म हो सकता है। अब जो भी कैस्केट के अंदर गया ना वो हारा, मतलब चांसेस है क्या हारा, कंपलसरी नहीं है क्या हारे, ये क्या करने लगे दोनों। रॉक ने भी अपना फिनिशर लगा दिया, रॉक जीत गए पर कैस्केट के अंदर ले जाना होगा, रॉक भी बेहोश हो गए। ये क्या कर रहे दोनों, ऐसा फिनिशर क्यों दे रहे हैं कि फिनिशर देने के बाद बेहोश हो जा रहे हैं। हाँ ठीक है, मतलब रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि लंबा मैच चलने के बाद जब आदमी अपना फिनिशर लगाता है तो जिसने फिनिशर दिया वो भी बेहोश हो गया। फाइनल बॉस ये क्या करने लगे, टॉप रोप पे जाने की अभी जरूरत ही नहीं थी, ये भारी पड़ेगा रॉक को, देख लेना। अगर कनेक्ट नहीं ना हुआ, लग गया तो ठीक है, ओके लग गया, फायदेमंद। रॉक फाइनल बॉस, आप जान रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, लेकिन जो भी प्लान है फिलहाल तो काम कर रहा है, और रॉक का फिनिशर भी आने वाला है। रॉक डायरेक्टली उठा के अगर ले जाते हैं, बस गोल गोल चक्कर नहीं काटने लगे, नहीं, रॉक को अपनी मंजिल पता है, और इतना ज्यादा मारने के बाद अब तो रॉक जीत गया भाई। ठीक है सर, सॉरी, लेकिन फर्स्ट राउंड के सेकंड मैच में रॉक जीत कर अभी भी चांस से बच सकते हैं, क्या पता, ना बहुत ज्यादा मार खा गए, अब लगने लगा था कि जीत जाएंगे रॉक, कुछ ज्यादा ही लास्ट में आसानी से जीते, लेकिन दोनों ही पिट गए थे। कॉन्ग्रेचुलेशन रॉक। तो फिल आदमी फर्स्ट राउंड का सेकंड मैच क्लियर कर लिया है फाइनल बॉस रॉक ने, लेकिन अभी भी फर्स्ट राउंड में दो मैचेस और बचे हैं, लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना, और दूसरा मैच है रोमन रेंस वर्सेस ट्रिपल एच। तो ये टूर्नामेंट अभी जारी रहेगा और ये कंटिन्यू होगा कल, और आप लोग ये काम करो, कमेंट करके लोगन पॉल और सीना के मैच के लिए स्टिपुलेशन बताओ, और रोमन और ट्रिपल एच के मैच के लिए भी स्टिपुलेशन बताना। और जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।